मैं इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हूँ। दिस इज़ द ग्राउंड ज़ीरो फॉर ऑल थिंग्स NRC। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी जिसमें मैंने अपने फैमिली के स्ट्रगल्स के बारे में बताया था कि कैसे बहुत मुश्किलों के बाद हमने अपना नाम NRC में पाया था। 2016 को कोर्ट ने डिक्लेयर किया आई एम नॉट द फॉरेनर। जय हिंद। I just checked the NRC and thankfully me, my mom and my daughter, we have made it to the list. पर इस बार ये डॉक्यूमेंट्री मेरे बारे में नहीं होगी। कटिंग अक्रॉस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक लाइंस, हम ऐसे लोगों की कहानियां लेकर आएंगे जो NRC से बाहर है। আমি প্রকৃত ভারতীয় খিলঞ্জীয়া মানে আমি যদি NRC না থাকো তেতিয়া হলো থাকিব কোন ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল হলো বিদেশি বানানোর একটা মেশিন না মতে হাবাসালো এরকম और एक कॉमन स्ट्रेंथ होगा इस डॉक्यूमेंट्री में। आप पाएंगे कि ये ज्यादातर लोग गरीब और अनपढ़ हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि किस किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो इंडियंस हैं। अगर आपका नाम NRC लिस्ट में मौजूद है तो आप भारतीय हैं, इस देश के निवासी हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आपकी राष्ट्रीयता पर शक किया जाता है और अपने आप सवाल उठाए जाते हैं। इस खिंचातान में ना आप भारतीय रहे ना विदेशी। मोबाइल देख बेचो के यहाँ तक कि असम के एक छोटे बच्चों को भी अब पता है कि NRC लिस्ट में नाम ना होने का क्या मतलब है। करीब करीब 19 लाख लोग NRC में शामिल नहीं हुए और उनमें से बहुत से बच्चे भी हैं, पर उनका एग्जैक्ट नंबर अभी सरकार ने डाइवर्ज नहीं किया है। पर इनमें से कुछ खास बच्चे साहिल जैसे भी हैं जिनके कि बोथ पेरेंट्स माता पिता दोनों NRC में शामिल हो चुके हैं पर साहिल का नाम NRC में नहीं है। प्रॉब्लम है कि और नाम एक्चुअली शाहीन असवार ते और आज इधर NRC मैंने ये से वेटर में ते दिए दिसे शोशीन असवार ता मैंने उन्हें बोले जे अमा नाम आशन है अमा के धोरे नहीं बे पुलिस है बा हुई तो अमा के मार बे इरम करे उन्हीं बोले ता मैंने उन्हीं और बहुत चिंता करे ता मैंने बामुनी गांव में चक्रवर्ती परिवार अब भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम NRC में क्यों नहीं आया। ये असम के बामुनी गांव का ये एक चक्रवर्ती परिवार है। इन लोगों का दावा है कि ये बांग्लादेशी हिंदू रेफ्यूजी है जो कि 1968 में ईस्ट पाकिस्तान से भारत आए थे और इसको प्रूव करने के लिए इनके पास ये रेफ्यूजी आइडेंटिटी कार्ड है जो कि इशू हुआ था 1969 में और ये इशू किया था द असिस्टेंट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफिसर ऑफ कछार ने। ये बांग्लादेश के हिंदू रेफ्यूजी है जिनका भारत को अपना घर बनाने का एक सपना था। इस पाकिस्तान तरफ साथ लगा हुए लोग जब माने देश ता जखन विभाजन हुए लो हां माने मुस्लिम में उत्पत्ति और तो कौन जवाहरलाल नेहरू निजे स्वयं था क्या कुछ जे हिंदू मानुष जत आसो माने पूर्व पाकिस्तान तुमरा सब भारत आसो भारत आसले हमरा तुमरा स्थान दिम। अब ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये हिंदू बांग्लादेशी या ईस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी है जो 1971 से पहले भारत में आए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो NRC के ऑफिशियल्स है वो इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बच्चा दूटा में मेरा भविष्य किया से तार तो पीछे क्यों नहीं ना थोड़ा ही बार टेंशन प्रचुर आ टेंशन इसी गांव में रोसेंग हाजंग और उनका परिवार NRC लिस्ट से बाहर है। रोसेंग अनुसूचित जनजाति के हैं। रोसेंग 60 की दशक के मध्य में भारत आए थे। तो खड़ा खाओ पापा लगे सुपर पारा करने भाव 64 हमारा आइडेंटे काटो आसे तथापि আমার এতিয়া NRC নামন্তৰ হট হোৱা যেহেতু 64 পৰা আমাক চৰকাৰে ভৰণ পোষণ খোৱাই পোৱাই দি আছে এতিয়া কেনেকৈ আমি বিদেশী হ'ম। এতিয়াতো আৰু বিদেশীটো আৰু ইয়াতে উৰি নাহে এতিয়া বিদেশীটো আৰু কেম্প কৰি নাৰাখে কিন্তু আমি বাংলাদেশী আমি নিজে পলাই অহা তাৰ কাটা বেৰাতে হুৰকি অহা মানুহতো নহওঁ আমি
ज्यादातर लोग जिन्हें एनआरसी से बाहर किया गया है उन्हें ये पता नहीं है कि वो आगे क्या करे। उनमें से ज्यादातर लोग गरीब और पढ़े लिखे नहीं हैं। वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि वो लिस्ट से बाहर क्यों है। और इसलिए यहाँ पर शाहजहां की बात करना जरूरी है। हम अभी असम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट में हैं और हम शाहजहां के साथ हैं। शाहजहां इस इलाके के एक एडुकेटेड यूथ है और इन्होंने खुद मदद की है हज़ारों लोगों को एनआरसी के एप्लीकेशंस को फाइल करने के लिए या उनके क्लेम्स को दोबारा फाइल करने के लिए। पर ये दुख की बात यह है कि शाहजहां ने खुद इतने लोगों की मदद करी है, पर अब जब ये एनआरसी का लिस्ट आया है उसमें शाहजहां और उनके फैमिली मेम्बर्स का भी नाम नहीं है। एनआरसी ऑफिशियल्स ने ये रीज़न साइट करा है कि उनके फैमिली ट्री में प्रॉब्लम है, पर शाहजहां का ये कहना है कि उन्होंने जो एनआरसी ड्रॉ की है वो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर की एनआरसी डेटा है जो कि 1951 एनआरसी से है। 1951 एनआरसी लीगेसी 1965 ভোটার লিস্টের কপি ওটা আমাদের গ্র্যান্ডফাদার অন্য লোকের ডকুমেন্ট আমরা চেক করে যাদেরকে হেল্প করেছি তাদের নাম তো এনআরসিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কিন্তু আমরা তো এই ভুলটা তো করতে পারি না নিজের ক্ষেত্রে যে আমরা ঠিক ডকুমেন্ট দেব না। ডকুমেন্টের গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার এটা 1934 ডিসেম্বরের 5 তারিখে ডকুমেন্টটা পেয়েছিল। আমাদের তো ডকুমেন্ট তারও আগে, ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেই আমাদের ডকুমেন্ট রয়েছে। তারপরও আমাদের সঙ্গে যে অন্যায় করা হলো এইটার আমরা নেই চাই। যাদের নাম কর্তন হয়েছে তাদেরকে টার্গেট করেই কর্তন করা হয়েছে। আর এখানে আগের থেকেই থিরাং করা হয়েছিল, ডিসাইড করা হয়েছিল যে ভাষিক সংখ্যালঘু আর ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে এখানে ভালো করে রিগুলার স্ক্রুটিনি করতে হবে, তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করতে হবে, যার জন্য এরা তো অরিজিনাল ইনহিবিটরের ভিতরে পড়েনি। जब हम असम के हुजाई जिले में पहुंचे तब डॉक्यूमेंट की जांच प्रक्रिया में चूक की बात और उभर कर सामने आई। दो एनआरसी की जो जेनेसिस है वो असम एकॉर्ड में है। ये वो एकॉर्ड है जो ओरिजिनल एसमीस लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, और ये ओरिजिनल लोग वो है जो एसमीस कम्युनिटी है और जो असम के इंडिजिनस लोग है। पर इस पूरे एनआरसी प्रक्रिया की जो एक बात ये आई है कि ये बहुत सारे लोग खुद ही एनआरसी से बाहर है, और अब इन इंडिजिनस लोगों के लिए बस एक ही ऑप्शन है कि वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाए और अपने इंडियन होने का दावा पेश करे। যদি ইমানখিনি টকা সরকারে খরচ করে এখন শুদ্ধ এনআরসি গঢ়িব নোৱাৰিলে তাৰ ভিতৰতো অসমবাসী গৈ পেলাই যদি আজি বাংলাদেশত পৰিণত হ'ব পাৰে বা বাংলাদেশী যদি অসমত থাকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি অসমত ইমান দিনে থকাৰ অৰ্থ কি আছিলে? আমি অসমবাসী হোৱা কোনো অৰ্থই নাই। আমাৰ এনআরসি এবাৰকে নহয় দুবাৰকে আমি জমা দিলোঁ, তথাপিতো আমাৰ নাহিলে। মোৰ ভাই ককাই চাৰিজন, মোৰ হাজবেণ্ডৰ চাৰিজন ভাই ককাই, তেওঁলোকৰ তিনিজন সম্পূৰ্ণ আহি গ'ল, মোৰ হাজবেণ্ডৰ নাহিলে। আৰু মোৰ নিজৰ মা ঘৰতো সাতজন ল'ৰা ছোৱালী সকলোৰে অকহে আহিছে, মোৰ অহা নাই। असम सरकार ने योजना बनाई है कि पूरे राज्य में कुल 4000 ट्राइब्यूनल बनाए जाएंगे ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जो इस लिस्ट से बाहर है। पर लोगों का ट्राइब्यूनल से भरोसा उठ चुका है। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल टिल नाउ हैज ऑलवेज बीन कॉम्प्लेक्स एंड द रूल ऑफ लॉ वाज हार्डली फॉलोड बिफोर द ट्राइब्यूनल एंड द डॉक्यूमेंट्स वर नॉट अप्रिशिएटेड इन अ प्रॉपर मैनर बिकॉज़ ऑफ माइनर एनोमलीज पीपल आर बीइंग डिक्लेयर्ड एज फॉरेनर्स। और क्या होता है जब ट्राइब्यूनल किसी को विदेशी घोषित कर देता है, ये जानने के लिए हम जा रहे हैं माटिया, जहां देश का सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है। We have been looking for the detention center here in Gwalpara for the past 2 hours and finally we have found this sign. It says to detention center. Bhaiti, hey, notun detention center to kiman bhitorot? 1 kilometer. Huh? So they are saying that the new detention center is about a kilometer from this route.
जो मेरे पीछे है वो है इंडिया का ब्रैंड न्यू डिटेंशन सेंटर जो असम में बन रहा है। इसके लिए सेंटर ने ऑलमोस्ट 460 मिलियन रुपीज़ सैंक्शन करी है, क्योंकि NRC के बाद ऑलमोस्ट 19 लाख लोग NRC से बाहर है और इनमें से कई लाख लोग हैं जो कि इवेंचुअली फॉरेनर्स डिक्लेयर हो गए। तो इनको जगह देने के लिए एक 3000 लोगों की कैपेसिटी की एक डिटेंशन कैंप यहाँ पर बन रही है। करीब 900 से ज्यादा लोग असम के डिटेंशन सेंटर्स में हैं। अगर उन्हें बांग्लादेश नहीं डिपोर्ट किया गया तो उन्हें आखिरकार 3 साल के बाद रिहा कर दिया जाएगा। ये क्लोजर की तरह लगता है लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री में हम उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने डिटेंशन कैंप में अपनों की मौत, निराशा और बिछड़ने के दर्द को महसूस किया है। श्वेता कहती है कि चीजें सुधर जाएंगे जब उसके फादर वापस आ जाएंगे, पर उसके फादर शायद कभी वापस नहीं आएंगे और वो ये भी जानती है क्योंकि उसके फादर की डेथ हुई है एक डिटेंशन कैंप में। पिछले कई सालों से क्विंट असम NRC को कवर कर रहा है। हमने डॉक्यूमेंट्रीज, एक्सक्लूसिव न्यूज़ वीडियोस, एक्सप्लेनर वीडियोस, ओपिनियन पीसेस एंड सिटीजन जर्नलिस्ट रिपोर्ट्स आपके सामने पेश किया है, पर इसको करने में बहुत सारा एफर्ट और बहुत सारा पैसा लगता है। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो क्विंट को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम इस इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को परस्यू कर पाएंगे।